मैं आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। मैं अपनी माओ बहनों और बेटियों को ये बात समझाना चाहता हूँ। आंखों से अल्लाह सिहाबी, ये कोई आम सिहाबी नहीं। जब भी अल्लाह के रसूल कहीं जिहाद पे जाते थे, गजवे पे जाते थे, शहर से मार जाते थे, अपनी जगह पर इमाम इसको बना के जाते थे, इस नबी ने को अपना मुसल्ला लेके जाते थे। इसकी शान जरा देखो, इस नबी ने की शान देखो कि एक दिन रसूल पाक चौधरियों को मसले समझा रहे थे, ये नबी ना आगे इसको पता नहीं था, ये आके हुजूर के कंधे को पकड़ के कहता है या रसूल मुझे ये मसला बताइए, या रसूल पढ़ने के लिए ना 12:30 पौने एक ना आया करो, दौड़ दौड़ के 12 बजे आया करो। हफ्ते बाद एक जुमा होता है और हमने भी इंशाअल्लाह अल्लाह का कुरान ही सुनाना होता है अल्लाह के फजल और रहमत के साथ। आज हमारा जुमे का मौजू है सूरह नूर। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हजरत आयशा और हजरत हफ्सा, हफ्सा बिनते उमर
नंबर 6 मसले समझते जाना है, सुनते जाना है और याद करते जाना है और घर जाके इन मसलों का तकरार करना है, इन मसलों को रिवाइज करना है ताकि आपके जहन में काजी ज़ैनुद्दीन बाबर की तकरीर नहीं अल्लाह पाक का कुरान बैठ जाए, अल्लाह का कुरान बैठ जाए। लो भाई नंबर 6 अल्लाह पाक फरमाते हैं वाला युक्तिना ज़ीनता वल्ला, मुसलमान औरतों के लिए यह हुक्म है कि वो अपनी ज़ेबो ज़ीनत को हर मुमकिन तौर पर छुपाए, ज़ीनत को छुपाए छुपाए। वला युक्तिना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुदूरतिहिन्ना, अल्लाह ने रिश्ते करवाए और रिश्ते करवा के अल्लाह ने फरमाया नंगा करने की सिर्फ इन महरम रिश्तों से के सामने, लेकिन वो भी सिर्फ चेहरा हाथ और कान बस ये, और ये भी नहीं जो हमारे यहां चल रहा है अल्लाह माफ फरमाए कि गहरा गला और स्लीवलेस शर्ट और ऊंचे चाक नीचे ट्राउजर बगैर दुपट्टे के घर में फिर रही है, तो यहां से शुरू हो गया। इसी वजह से तो आज अखबारात में और टीवी में पढ़ने को मिलता है अलायाद बिल्ला भाई के साथ मामला, बाप के साथ मामला, किसी बेटी जवान को इजाजत नहीं कि वो अपने बाप की टांगे दुबाए, शरीयत इसकी कतई इजाजत नहीं देती, और किसी बाप को यह कतई जायज नहीं कि वो बेटी के कमरे में बगैर दरवाजा ना किए और बगैर खंगाले वैसे ही अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि पता नहीं वो बच्ची किस हालत में है और उसके कपड़े बेतरतीब हुए हुए हैं। अल्लाह हू अकबर। और क्यों कर जायज हो सकता है ये कि एक बहन अपने भाई के साथ अपने कजनों के साथ अपने बाप के साथ बैठ के इंडिया के फिल्में और ड्रामे देखे, इंडिया तो इंडिया, अब तो पाकिस्तान इंडिया से 4 हाथ आगे ड्रामे बनाता है। हाँ हाँ, 4 तुर्की का, तो इस हमारे पाकिस्तान के अदाकारों को बड़ी तकलीफ हुई हुई है, वो जी पाकिस्तानी ड्रामे क्यों नहीं लगाते आप, भाई पाकिस्तानी में ड्रामों में क्या होता है। अभी एक ड्रामे के बारे में मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो माँ अपनी बेटी से कहती है कि तू क्यों नहीं लिपस्टिक लगा के खूबसूरत होके बाहर जाती, इतनी लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही कोई नहीं। ये ड्रामे में सबक पढ़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामे में क्या है कि अपने बहनोई के साथ कैसे कैसे बात करनी है और अपने शौहर से छुप के आशना के साथ कैसे डेट पे जाना है, ये सारा कुछ सिखाते कौन है? पाकिस्तानी ड्रामे। मेरे भाई दीन तो इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि कोई महरम रिश्तों के साथ, महरम जिनके साथ निकाह हराम है, कि उनके हाथ पे हाथ लड़कियां मारे और फिर उनके साथ हंसी मजाक करे और फिर अपने भाइयों के साथ सलाम ले या मौनिका करे। ये बातें ड्रामों में अच्छी लगती हैं, शेरी शरीयत इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता, शरीयत इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देती। तो इस तरह मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम ने रोशनी दी है, इस्लाम ने पाकीज़गी दी है, सूरह नूर ने हमें राह दी है, हदायत की राह, नूर की राह, रोशनी की राह। आज शादियों में देख लो अपने कजनों के साथ लड़कियों का डांस करना मेहंदी वाली रात कोई मायूब ही नहीं है, और वहां से तो फितने का आगाज होता है, वहां से तो बर्बादी का आगाज होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने मुसलमान औरत को कहा है वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, मैं जो पता किए इसलिए किया हूं, अगली बात अल्लाह ताला की बड़े गौर से सुनने वाले, आपने मेरी तरफ देखना है बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी तरफ देखना है कानों की खिड़कियां खोल के, दिल में इस जगह को, इस बात को दिल में जगह देनी अल्लाह ताला की बात को। अल्लाह कहते हैं वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना,
सूर है, नूर है। अब अल्लाह पाक का अगला अंदाज सुनिए भाई। तो हुआ क्या, मिसाल के तौर पर समझाता हूं अल्लाह ताला की बात को। औरत घर में ब्याही आई, उसके देवर छोटे थे, देवर छोटे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता देवर बड़े हो गए, रिश्तेदारों के बच्चे छोटे थे अब बड़े हो गए, गली के बच्चे छोटे थे अब बड़े हो गए। अल्लाह, अब बड़े हो गए, आप पता क्या करते हैं? इससे पता करना है, हमारे हाथों में तो पला, क्या कहते हैं, हमारे हाथों में तो पल पड़ के जवान हुआ है। और अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं, अल्लाह का कुरान सुनो, सूरत का नाम क्या है, सूरह नूर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा बलगल अतफाल, कुरान है, सिर्फ तर्जुमा करूंगा, तफ़सीर नहीं। व इज़ा बलगल अतफाल मिनकुमुल ग़ुलुमा, जब बच्चे बलूगत को पहुंच जाए, जब बच्चे औरतों के मामलात को समझना शुरू हो जाए। वो बच्चे थे जो 13-13, 14-14 साल के हो जाते थे, उनको पता नहीं चलता था, वो हमारा दौर था। अब स्क्रीन ने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा कुछ सिखा दिया है, बड़ा कुछ सिखा दिया है। अब तो 5 साल के बच्चे को वो कुछ पता है जो आपको नहीं पता। वो तब होता था, नादान बच्चे होते थे, 13 साल का बच्चा है, 11वें भाई आया है, किसी ने पूछा, और वो पूछता है क्या अल्लाह ताला ने आपको भाई दिया है, अच्छा माशाल्लाह कहां से आया है, तो आसमान से फेंका है आपका भाई, तो वो मान लेता कि हाँ वाकई अल्लाह पाक ने मुझे, अल्लाह पाक ने आसमान से भाई फेंक कर दिया है। और किसी 5 साल के बच्चे को कह के रखो हम कि तेरा भरा आसमान है, तो रब ने छुट्टी है, वो तुम्हें सारी डिटेल बता देगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने उम्र का नहीं बताया, अल्लाह ने यह नहीं कहा 5 साल के हो, 10 साल के हो, वाला तेरी शान पे कुर्बान जाऊं और तेरे कुरान के एक एक हरफ पे कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने ऐसे मसले खोल खोल के बयान किए। अल्लाह कहते हैं वा इज़ा बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुमा, जब तुम्हारे बच्चों को औरतों के मामलात का पता चल जाए, तो फिर औरतों को चाहे वो देवर हो, चाहे उसके हाथों में पल के बड़ा हुआ हो, चाहे वो गली का बच्चा हो, चाहे वो कदम का बच्चा हो, अल्लाह कहते हैं फिर उस बच्चे से भी क्या है, पर्दा है। उस बच्चे से भी ये जो बड़ा हो गया है, इससे क्या है, पर्दा है, पर्दा। परिस्ता दिनों चाहिए कि वो भी इजाजत लें कमरे में दाखिल होने के लिए, घर में दाखिल होने के लिए, परिस्ता दिनों तर्जमा करो यार, इजाजत ले कम अस्ताजल्लजीना मिन कब्लिहिम, जैसे कि बड़े इजाजत लेते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने नंबर 8 बयान कर रहे हो, नंबर 8 देखो अल्लाह ने कैसी एहतियात समझाई है। खुदा की कसम, अल्लाह की इन एहतियातों पर अमल किया जाए तो ये खबरें ना आए कि चाचे ने भतीजी को छेड़ा और ये हो गया, मामू ने भांजी को छेड़ा और ये हो गया और वो हो गया, भाई के साथ ये मामला हो गया, बाप सबके बाप के साथ ये मामला हो गया। ये खबरें आपने सुनी और पढ़ी होगी। आज मैंने पिछले हफ्ते ताजा खबर पढ़ के मेरे दिल में सोचा कि मैं सूरह नूर की तफसीर बयान करूंगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस रोशनी के मुंबा सूरत में वो मसाइल ईमान वालों के लिए बयान किए। अल्लाह फरमाते नंबर 8, जो शादी भी नहीं कर सकती, फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन, उन पर कोई गुनाह नहीं, अय्यज़ाना सियाबहुन,
लिपस्टिक लगाए, वो क्रीमें लगाए, वो फेस पाउडर लगाए और वो फैशन करे और वो मेकअप करे ना गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीनतिहिन्न। अगली बात सुनना, वहीं यस्ताफिफ्न खैरुल लहुन्न। अगर ये बैठी हुई औरतें, बूढ़ी हुई और बूढ़ी औरतें जो निकाह भी जिनका नहीं हो सकता, वहीं यस्ताफिफ्न अगर ये भी पर्दा करें खैरुल लहुन्न। आपको बात समझ ही नहीं आई यार, अल्लाह की बात समझ नहीं आई, अगर ये भी पर्दा करें तो खैरुल लहुन्न। करो तर्जमा, इनके लिए क्या है? इनके लिए बेहतर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सूरह नूर है, सूरह नूर, जिसने रोशनी दिखाई है, जिसने बदकारी का हर राह बंद कर दिया है, ये वो सूरत है जिसने बुराई के सामने दीवार खड़ी कर दी है। और फिर अल्लाह ताला ने ये आठ बातें बयान करने के बाद फरमाया, जो इन पर अमल करेगा। क्या समझा जाए, मेरे पास 5 मिनट है, बड़ी मेहरबानी तवज्जो करना। जो इन मेरी बातों पर अमल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये सूरह नूर में, अल्लाह फरमाते हैं मसलु नूरी का मिश्कातिन फीहा मसलु नूरी का मिश्कातिन फीहा मिसबाहुन अलमिसबाहु फी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन सुकून आता है। फी बुयूतिन, ऐसे घरों में
वो ऐसे मर्द हैं, लातुल ही हैं, उनको गफल नहीं